नमस्कार दोस्तों, जब मेरा एटीएम कार्ड पिछले महीने ही एक्सपायर हो गया था तो इस महीने एसबीआई ने मेरे बैंक अकाउंट से 236 रुपये क्यों काटा? और ये क्वेश्चन मेरा नहीं आप लोगों का हो सकता है जिस प्रकार से मुझे कमेंट्स आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले फटाफट से बात कर लेते हैं कि जो एटीएम कार्ड का एएमसी चार्ज होता है आखिर वो क्या होता है। तो एएमसी का फुल फॉर्म होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जिसको आप हिंदी में वार्षिक रखरखाव चार्ज भी बोलते हो, और ये एक साल में केवल एक ही बार कटता है। अगर आपने एसबीआई का एटीएम कार्ड यूज करते हो तो आपका भी कटा होगा, आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बता देना। तो दोस्तों, ये अलग अलग एटीएम कार्ड के हिसाब से इसका चार्ज भी अलग अलग होता है। अगर आपके पास कुछ इस प्रकार से एटीएम कार्ड है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि क्लासिक सिल्वर ग्लोबल कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड, तो इसका जो एएमसी चार्ज होता है 200 रुपये प्लस 18% जीएसटी, जो कि टोटल होता है 236 रुपये। उसी प्रकार से अगर आपके पास युवा गोल्ड कॉम्बो या फिर माई कार्ड जो फोटो वाला होता है, अगर इस प्रकार का कार्ड है तो इसका 250 रुपये प्लस जीएसटी। इसके बाद से अगर आपके पास प्लेटिनम एटीएम कार्ड है तो इसका 325 रुपये प्लस जीएसटी। इसके बाद से अगर आपके पास प्लेटिनम बिजनेस रुपे कार्ड है तो इसका 350 रुपये प्लस जीएसटी। इसके बाद से अगर आपके पास प्राइड प्रीमियम बिजनेस एटीएम कार्ड है तो इसका 425 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप हाईफाई एटीएम कार्ड यूज करोगे उतना ज़्यादा आपको एएमसी चार्ज चुकाना पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मेरा जो एटीएम कार्ड है वो पिछले महीने एक्सपायर हो गया था तो आखिर एसबीआई ने इस महीने उसका 236 रुपये क्यों काटा। तो देखिए दोस्तों, एसबीआई यहां पर यह कहता है कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, अगर इस बीच में आपके बैंक अकाउंट में एक भी दिन अगर एटीएम कार्ड एक्टिवेट रहा होगा तो फिर इसका एएमसी चार्ज चुकाना पड़ेगा। इसको और साधारण भाषा में यूँ कहें कि पूरे साल में अगर आपने अपना एटीएम कार्ड एक भी बार यूज किया है तो इसका एएमसी चार्ज आपको चुकाना पड़ेगा। जैसे कि आपने आपका क्वेश्चन रहता है कि मेरा एटीएम कार्ड तो पिछले महीने एक्सपायर हो गया था और इस महीने एसबीआई ने 236 रुपये क्यों काटा, क्योंकि आपने पहले से ही इसको यूज में ले रहे हो। तो इसके बाद से जब इसका कटने का टाइम आया इस महीने, और ये कब कटता है कि पिछला साल पूरा हो जाने के बाद जैसे ही दूसरा साल लगता है तो पहले ही महीने में इसका एएमसी चार्ज कट कर लेता है, तो इसको कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप एटीएम कार्ड का ईएमसी चार्ज नहीं देना चाहते तो 1 अप्रैल लगने से पहले पहले आप इसको ब्लॉक करा दीजिए, और आप 1 अप्रैल से पहले पहले ब्लॉक करा दोगे, इसके बाद से जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा तो उसमें आपके अकाउंट से ये 236 रुपये नहीं कटेगा।